नहीं सर, ठीक है, तो शीट में डाउट्स हो सकते हैं आप लोगों को, वो बाद में डिस्कस करते हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लिखो ग्राफ्स। ओके, देखो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा था वो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, यानी वहां पे हम लोग ये कंसीडर कर रहे थे कि ग्राफ्स हम लोगों को ऑलरेडी बनाना आता है और उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हो तो वो कैसे करोगे। तुमने एक चीज नोट की हो तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हम लोगों ने ज्यादा डिफरेंट कर्व यूज नहीं किए थे, मैक्सिमम साइन एक्स या ई टू द पावर एक्स और लॉग ऑफ एक्स या फिर एक क्वाड्रेटिक पैराबोला, केवल इतना ही यूज किया था ये सोनू, क्योंकि ज्यादा हमें बनाना आता नहीं ना। अभी यहाँ पे हम लोग जितने भी टाइप के कर्व हो सकते हैं, क्यूबिक, 4 डिग्री, 5 डिग्री, लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो, कोई भी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, इसकी काफी अच्छी बुक आती है, प्ले विद ग्राफ्स, ऑथर है उसके अमित एम अग्रवाल, तुम चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। बाकी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस तो हम लोग काफी सारा करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है सबसे बेसिक, और सबसे बेसिक ग्राफ क्या होता है बोलो। ठीक है, तो यार ये तो आपको ड्रॉ करना आता ही है, लाइक 2x + 3y - 6 = 0, पहले x = 0 पुट करो, y = 2 और y = 0 पुट करो, x = 3। ठीक है, तो ये बन गया स्ट्रेट लाइन। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। x = कांस्टेंट, ये होता है लाइन पैरेलल टू, वाई एक्सिस। ठीक है, और y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है लाइन पैरेलल टू। ओके, तो यार ये सब तो बनाना आता है हम लोगों को, तो इस पे अभी हम लोग इतना फोकस नहीं कर रहे। नेक्स्ट है फिर पैराबोला, और वो भी क्वाड्रेटिक, लाइक y इज इक्वल टू ax² + bx + c। यहाँ पे डेफिनेटली a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक बनेगा क्या, बोलो। नहीं। ठीक है, तो यार ये हमें पता होना चाहिए। सपोज करो ये है पॉजिटिव, ग्राफ बनता है अपवर्ड, ए है नेगेटिव, ग्राफ बनता है, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। अगेन ग्राफ इस तरीके से है, तो इस केस में इसका मिनिमम वैल्यू डिफाइन होगा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस डी ऑफ बेटा, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू इज, इनफाइनाइट। हाँ, इस केस की बात करते हैं, मिनिमम वैल्यू कितना है -∞ और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है, अंडरस्टूड। सर। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस का बी अपॉन 2a और वाई कोऑर्डिनेट -d/4a। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट इज -b/2a एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -d/4a। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, हालांकि ऑलरेडी हम लोग कई सारे ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं इस टाइप के, फिर भी लिख लेते हैं, लाइक 2x² - 4x - 7, ये ड्रॉ करना है। ओके, तो ए है पॉजिटिव, क्लियरली ग्राफ अपवर्ड, ठीक है, मिनिमम वैल्यू मिलेगा आपको एट x = -b/2a, बी कितना है बोलो, -4। हाँ, सो ये x = कितना आ गया बोलो, 1। वन। बाकी आप ये भी कर सकते हो, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, 2x² का डिफरेंशिएशन है 4x - 4x का डिफरेंशिएशन -4, 4x - 4 = 0, x = 1, 1। और x = 1 पे वैल्यू कितना आने वाला है -d/4a। बाकी देखो ऐसा होता है, आप -d/4a भी कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आप x = 1 पुट करोगे तो वही वैल्यू आता है। हाँ, ओके, x = 1 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है बताओ। माइनस -9। ठीक है, तो कंफर्म ये शेप तो ये आ गया। अभी इस शेप में ये डाउट होता है किसको ओरिजिन से पास करना है, या फिर अबव ओरिजिन या फिर बिलो ओरिजिन। ठीक है, तो x = कितना पुट करोगे बोलो, कितना जीरो वैल्यू आ गया है, सेवन माइनस सेवन। ये बन गया इसका ग्राफ। एनी डाउट? ठीक है, एक ये बना लो अपने आप से, करो ट्राई करो।
ए नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू विल बी डिफाइंड एंड वर्टेक्स आने वाला है टैक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू और प्लस थ्री बाई टू थ्री बाई टू थ्री बाई टू हाँ ठीक है एंड माइनस डी अपॉन फोर इज 37 अपॉन 4 यानी 9 पॉइंट समथिंग ओके एंड x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो 7 तो ये इसका ग्राफ है इसमें कोई डाउट है किसी को नहीं डन सपोज करो ड्रॉ करना है दिस y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x तो देखो रूट्स की हेल्प से भी ग्राफ बना सकते हैं हम लोग लाइक यहां पे रूट्स आ रहे हैं x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 ठीक है ए पॉजिटिव ग्राफ डेफिनेटली ये आएगा ये है 0 ये है 3 मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेंड एट मिड पॉइंट यानी कि 3/2 और 3/2 पे वैल्यू कितना आता है माइनस dy 4 हां तो माइनस d अपॉन 4a d इज b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 9 माइनस 0 यानी कि माइनस 9 अपॉन 4 ठीक है एक दो ये भी बना लेते हैं y इज इक्वल टू काफी बेसिक x स्क्वायर तो यार ये तो पता होता है हम लोगों को है ना तो ये है y इज इक्वल टू x स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर ड्रॉ करना है तो दिस इसमें कोई डाउट है वैसे भी कंप्लीट फंक्शन को आपने माइनस मल्टीप्लाई किया है तो ग्राफ विल रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस ठीक है सपोज करो ड्रॉ करना है दिस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ फॉर्म करो अभी इसमें चेंजेस क्या आएंगे प्रेरणा तुम बताओ This is y is equal to x square. Y is equal to x square plus 3. नहीं बेटे क्वेश्चन है x square minus 3. अभी मेरा एक पॉइंट ये है कि y is equal to x square ये गिवन है आपको अभी x square minus 3 ड्रॉ करना है तो क्या चेंज करें इस ग्राफ में बताओ इधर हो तो तुम बताओ हाँ सर हाँ ये बताओ y is equal to x square given है और draw करना है y is equal to x square minus 3 तो क्या चेंज करना चाहिए प्रथमेश तुम बताओ तो y axis के नीचे shift होगा 3 value से हाँ यार क्योंकि दिख रहा है ना फुल फंक्शन में कितना माइनस किया है ये माइनस किया है तो यानी कि ग्राफ विल शिफ्ट बिलो और कितना यूनिट शिफ्ट करोगे थ्री यूनिट हाँ तो ये हो गया ये पॉइंट कितना आ गया अभी जीरो कमा माइनस थ्री एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इसमें कोई डाउट है बोलो नहीं सर ठीक है सपोज करो ये ऐसे होता आपको ग्राफ ड्रॉ करना है दिस y इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर अभी क्या चेंज आएगा बोलो राइट साइड x को रिप्लेस किया है x माइनस 3 यानी कि फुल ग्राफ शिफ्ट राइट साइड y द यूनिट 3 ठीक है कोई डाउट अच्छा ये कितना आने वाला है टैक्स इज इक्वल टू 0 9 हाँ बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट ये अपने आप से ड्रॉ करो अभी करो स्टार्ट करो
जरूरी नहीं ट्रांसफॉर्मेशन से करना है आपको, वैसे भी कर सकते हो माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, चलता है वो भी चलता है। ओके स्टार्ट करते हैं। सो वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इन नेगेटिव ग्राफ डाउनवर्ड वर्टेक्स विल बी एट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक से बताओ एट एक्स इज इक्वल टू, एक्स बोल रहा हूं मैं एक्स एक्स, अरे माइनस बी बाई टू ए कितना आ रहा है इसमें जीरो जीरो, हाँ सो वर्टेक्स विल बी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और x is equal to 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है बोलो 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब होता है पॉइंट ऑफ सिमेट्री, यानी इसके लेफ्ट और राइट दोनों में ग्राफ क्या बना दोगे सिमेट्रिकल और इस तरीके से, एनी डाउट? ये वैल्यू कितना आ रहा होगा y is equal to 0, 2x square is equal to 3, x square is equal to 3 by 2 और x is equal to रूट थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री, हाँ कोई डाउट? यार बोलो कोई डाउट है तो, इसमें डाउट होना नहीं चाहिए वैसे क्योंकि काफी बार कर चुके हैं ये सब हम लोग। एनी डाउट? नो सर। नहीं सर। ठीक है अब एक काम करो y is equal to x square, 2x square, 3x square, ये सेम ग्राफ पे प्लॉट करो। सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये तीनों ग्राफ प्लॉट करने हैं आपको, x square into 2, 2x square, x square into 3, 3x square, यानी फुल फंक्शन को मल्टीप्लाई किया एक बार 2 और एक बार फुल फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है विद 3। ये है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें ड्रॉ करना है अभी y is equal to 2x square। क्या चेंज आने वाला है बोलो? ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स y एक्सिस 100%। आप जब k मल्टीप्लाई करते हो एंड k है ग्रेटर देन 1 तो उसका स्लोप इंक्रीज हो जाता है एक्चुअली, यानी ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स y एक्सिस, y एक्सिस या फिर ये अच्छा कौन से पॉइंट मूव नहीं करते, ये जीरो वाले पॉइंट मूव नहीं करते जो x एक्सिस पे होते हैं, क्योंकि x एक्सिस पे y होता है 0 और जीरो को तुम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो वैल्यू विल बी जीरो, यस और नो? हाँ ठीक है। पहले आपको x is equal to 1 पे कितना वैल्यू मिल रहा था? 1 अभी x is equal to 1 पे कितना वैल्यू आएगा बोलो? 2 आएगा। हाँ तो ये ग्राफ बनना चाहिए कुछ ऐसे। एक चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के बाद में एरिया अंडर द कर्व, वहां पे क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द एरिया बिटवीन 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, तो वो एक्चुअली ये एरिया होगी, समझ गए? तो ग्राफ नहीं बनाओगे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में एरिया क्या आने वाला है, फिर वहां पे हम लोग उसका इंटीग्रेशन वगैरह वो सब कर लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है बिल्कुल। ठीक है तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसी में बना देते हैं वाई इज इक्वल टू 3x। हाँ अच्छा सपोज करो y is equal to x square upon 2 draw करना होता तो फिर move away from y।
हाँ वो और नीचे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, एनी डाउट सर? हाँ क्या डाउट है बोलो। नहीं सर डाउट। ओके ठीक है, तो ये सब हो गया है क्वाड्रेटिक। तो यार क्वाड्रेटिक पढ़ना तो अभी हमारा पर्पस नहीं है, क्योंकि आता है हम लोग को ऑलरेडी है। नेक्स्ट वन स्टार्ट करें अभी? ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राफ ऑफ क्यूबिक फोर डिग्री और एनी डिग्री पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है ये तुम लोगों ने 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या थोड़ा? चलो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? तो वो हम लोगों को आता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा कि ग्राफ का यूज क्या है बेसिकली। स्टार्ट करें? ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशंस में टाइप वन है। अच्छा क्वाड्रेटिक में क्या होता है, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हो, और सपोज करो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो फिर फॉर्मूला यूज कर लेते हो, या तो दोनों रूट्स आते हैं रियल और डिफरेंट, या फिर दोनों रूट्स आते हैं रियल और सेम, या फिर क्या पॉसिबिलिटी होता है बोलो। भाई क्वाड्रेटिक में टू रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, सेकंड पॉसिबिलिटी टू रूट्स बोथ रूट्स आर रियल बट सेम, और थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है? इमेजिनरी रूट्स। हाँ तो वैसे ही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन, और इसमें टाइप वन है दिस। टाइप वन में क्या है, जैसे ये एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो टाइप वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेजेंट नहीं होता है। क्या प्रेजेंट नहीं होता है? कॉन्स्टेंट। तो स्पेशलिटी क्या होगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है? हाँ। और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू टू, तो टोटल कितने रूट्स हो गए? थ्री, एंड ऑल थ्री रूट्स आर डिफरेंट और रियल भी है। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, सपोज करो इक्वेशन होता दिस एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके बारे में कमेंट करो। x belongs to R, x is equal to 0, x is equal to 0 and next quadratic ka d negative aata hai। हाँ, जो क्वाड्रेटिक आएगा ना उसका डी नेगेटिव आ जाएगा एक्चुअल में। एक्स कॉमन, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर्स तुम कर नहीं पाओगे, फिर चेक करोगे इसका डी, और डी क्या आ गया इसका? नेगेटिव, यानी यहाँ पे जो रूट्स है वो है इमेजिनरी। तो एक्चुअल में इस इक्वेशन का केवल नंबर ऑफ रियल रूट्स ओनली वन, हाँ, और बाकी टू रूट्स क्या है बोलो? इमेजिनरी। ठीक है, और यार वैसे भी इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में आते हैं, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, पेयर्स में ही आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखो। ये सॉल्व करो।
x is equal to 0 and x is equal to 2. x is equal to 0 and x is equal to 2. Correct. X common, ये हो गया x square minus 4x plus 4 is equal to 0. Clearly x is equal to 0, x is equal to 2, x is equal to 2. So number of distinct real roots. Answer? 2. हाँ, number of real roots? 3. 3, जिनमें 2 same है. Okay. Now type 2. Type 2 is like example लिखते हैं यहाँ पे, तो इससे तुम्हें clear हो जाएगा. Let's say question है x cube minus 3x square minus का 4x plus 12 is equal to 0. इसके roots find करने हैं. तो देखो एक चीज समझने का try करो. x square common remaining है. x minus 3. हाँ, और ये जो portion है ना, ये x minus 3 का ही multiple है. Yes or no? तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो प्रेजेंट है, लेकिन ये मल्टीपल है. यहाँ पे कितना लिखोगे? वो अभी ये हो गया x square minus 4 into x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3, x is equal to 2 और x is equal to minus 2. Any doubt? No. सपोज करो ये 12 के प्लेस पे कोई और नंबर होता, लेट्स से 11 होता, तो अभी ये x minus 3 का मल्टीपल है क्या? नहीं है. तो फिर नहीं कर पाओगे इस मेथड से. तो ये टाइप वन और टाइप टू सबसे इजी क्यूबिक्स होती है यार, है ना, जिनको जस्ट फैक्टराइजेशन से ही आप सॉल्व कर सकते हो पूरा. ठीक है, नंबर और लिख लेते हैं. ये सॉल्व करो. X is equal to 2 minus 2 minus 5. Wrong answer है, ठीक से बताओ. जोया तुम काफी ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर रहे हो बेटा, आपका पता नहीं माइंड किधर है. X square common, remaining है x plus 5, 4 common, x plus 5 is equal to 0, x square plus 4 into x plus 5 is equal to 0. Only real solution is x is equal to minus 5. हाँ, x square plus 4 0 होता है क्या बोलो? हाँ, तो वहाँ पे possible नहीं है. ऐसे solve करोगे, you will get x is equal to 2 iota और x is equal to minus 2. हाँ, ठीक है. So only real solution is x is equal to minus 5. Any doubt? No, sir. ठीक है, तो type 1 कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं होता वहां पे. टाइप टू कोइंसिडेंटली आपको मल्टीपल मिलेगा. टाइप टू में कोइंसिडेंटली आपको यहाँ पे मल्टीपल मिलता है. ठीक है, नाउ टाइप थ्री. टाइप थ्री का स्पेशलिटी ये कि टाइप वन और टाइप टू दोनों में नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी दिखेगा, मल्टीपल भी नहीं होगा. लाइक एग्जाम्पल दिस, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन सॉल्व करना है. तो सपोज करो आप x square common भी लेते हो, तो this will be x minus 6. ये x minus 6 का multiple है क्या? नहीं. हो सकता था. if 6 के place पे कितना होता? 66. समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये type 1 में भी नहीं आ रहा है, टाइप टू में भी ये नहीं है, तो इसका मतलब ये टाइप थ्री में है. अब इसमें करते क्या है हम लोग, पता होगा सभी लोगों को, आप रेंडम वैल्यूज पुट करते हो. पूरा आइडेंटिटी चलता है यहाँ पे, रेंडम वैल्यूज पुट करते हैं सच दैट दिस एक्सप्रेशन कितना आना चाहिए? जीरो. ठीक है, और ऑब्वियसली बात है इंटीजर्स ही पुट करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि 1/2, 3/2, 5/2 फ्रैक्शनल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं ना. लेट्स से x इज इक्वल टू पुट करते हैं, जीरो पे पॉसिबल नहीं है. वन पुट करके देखो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. हाँ, तो वन पुट करोगे दिस एक्सप्रेशन विल बी जीरो, यानी डेफिनेटली इसका एक फैक्टर है क्या? x माइनस वन.
हाँ सो डेफिनेटली एक्स माइनस वन विल बी अ फैक्टर. ऐसा होता है यार, जैसे एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पुट करने पे वैल्यू जीरो आती है, तो इसका एक फैक्टर बनता है एक्स प्लस टू. हाँ तो x is equal to 1 put करने पे आ रहा है 0, so x minus 1 will be a factor. तो एक factor आ गया x minus 1. यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 degree, 2 degree और 3 degree? 2 degree. तभी वो 3 degree construct करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आता है 2 degree. ये तुम synthetic division से find कर सकते हो, otherwise proper division of polynomial से भी पता कर सकते हो. एक बार check करो कितना आता है यहाँ पे, करो स्टार्ट करो. x square minus 5x plus 6. ओके करेक्ट है. सो दिस विल बी x square minus 5x plus 6. एनी डाउट? ये फर्दर सॉल्व करोगे यू विल गेट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3. तो 3 रियल सॉल्यूशंस एंड ऑल सॉल्यूशंस आर डिस्टिंक्ट डेफिनेटली डिफरेंट सॉल्यूशंस है. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी हैं, वो सब तो खैर बात की बात है. काफी सारे ऑब्जर्वेशंस आ सकते हैं. इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो? नहीं नहीं सर. डाउट है क्या ये फैक्टर में, डाउट है क्या? नहीं. देखो जरूरी है सिंथेटिक ही करना है, आप प्रॉपर भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होता है, तो ये कर लो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Next example is this. X cube minus plus 2x square minus 2x plus 3 is equal to 0. आपको find करने हैं इसके roots. करो start करो. Type 1 और type 2 में है क्या ये? नहीं. ठीक है, तो put करो 1, फिर minus 1, 2, फिर minus 2, 3, फिर माइनस 3. ये सपोर्ट करके चेक करो कहां पे जीरो होता है. माइनस 3 पे. हाँ तो ये माइनस 3 पे ही जीरो आएगा, उसके पहले नहीं आएगा यार, ना ये आप लोग चेक कर सकते हैं. तो माइनस 3 पे ही आता है जीरो, यानी वन फैक्टर विल बी एक्स प्लस 3. हाँ अभी ये फैक्टर फाइंड करके बताओ कितना आता है. x square minus x plus 1. ठीक है, करेक्ट है. तो ये आएगा x square minus x plus 1. ओके,
सो आइदर दिस विल बी जीरो और दिस विल बी जीरो, और इसका डी क्या आ रहा है एक्चुअल बताओ? नेगेटिव. नेगेटिव, सो ओनली रियल सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू -3. बाकी यहां से जो दोनों रूट्स आने वाले दे आर इमेजिनरी, और ये फिक्स है कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में आते हैं. कोफिशिएंट्स रियल होते हैं ना, यानी ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, ये नंबर 1 2 -2 3 ये रियल हैं, तो 100% इमेजिनरी रूट्स विल बी इन पेयर्स. लाइक वन रूट इज 3 + 4 आयोटा, देन अदर रूट विल बी 3 - 4 आयोटा. एनी डाउट? नो सर. ठीक है, अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो. जैसे अभी तो क्या ये सब क्यूबिक इक्वेशंस जो हम लोगों ने सॉल्व किए थे, यहाँ पे आप कोई नंबर पुट कर रहे हो और वैल्यू आ गया जीरो. सपोज करो कोई क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं रूट 7, रूट 2 या फिर 199/162, तो ये वैल्यू कभी पुट करके देखोगे क्या आप लोगों? तो पॉसिबल ही नहीं है. ये भी तो हो सकता है ना कि ये रूट हो, नहीं हो सकता है क्या भाई? पॉसिबल है ना कि 1 रूट इज 2.653, सेकंड रूट इज 3.141 एंड फोर्थ रूट इज -7.29. तो ये वैल्यू तो हम लोग नहीं पुट करेंगे ना कभी भी, ऑब्वियसली बात है यार, क्योंकि इंटीजर्स ही पुट करने में काफी कैलकुलेशन हो जाता है. नहीं हाँ, तो फिर और भी रेंडम रूट का पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेट सी बात है हम लोग वैल्यूज पुट नहीं करते हैं. हम लोग यार मैक्सिम इतना ही पुट करते हैं बस, 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 मैक्सिमम 5 तक पुट कर लोगे, उससे ज्यादा पुट कभी नहीं करोगे. तो जब हम लोग रूट फाइंड नहीं कर पाते हैं तब हम लोग उसका क्या बना देते हैं? ग्राफ. ठीक है, और फिर ग्राफिक को थोड़ा सा ऑब्जर्व वगैरह करके और फिर उसके रूट्स फाइंड करते हैं. अंडरस्टूड? ग्राफ को कैसे ऑब्जर्व करोगे वो बताऊंगा. आप इस तरह से ग्राफ बनाने दो पहले. ठीक है, स्टार्ट करें? हाँ सर. डन, अब स्टार्ट करते हैं. ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स काफी ज्यादा इजी होता है, काफी ज्यादा इजी है, और काफी ज्यादा मतलब इसमें कंसेप्ट्स काफी सारे होते हैं, कई सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है एक्चुअल में. ठीक है, तब ये ग्राफ बनता है, बाकी इजी होता है, काफी इजी होता है. स्टार्ट करें? हाँ. ठीक है, तो लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं. y इज इक्वल टू, एक मिनट, टू एक्स क्यूब माइनस 15x² + 24x - 6. सपोज करो ये ग्राफ ड्रॉ करना है. स्टार्ट करें? ठीक है, तो देखो ग्राफ बनाने के बहुत ही बेसिक से स्टेप्स हैं, और वो स्टेप्स क्या है समझ लो एक बार. आप x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे वैल्यू चेक करोगे, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू चेक करोगे, और x इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू चेक करोगे. सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये होता है. तो अब ये बताओ इसको देख करके कि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा होगा इसमें. एक पॉइंट और, जब आप इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू चेक करते हो तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना वही यूज होती है बस, वही डोमिनेट करती है, क्योंकि इन्फिनिटी का क्यूब ही सबसे ज्यादा आने वाला है कंपेरेटिव टू इन्फिनिटी स्क्वायर और इन्फिनिटी. भाई 1 करोड़ स्क्वायर काफी ज्यादा हो गया ना कंपेरेटिव टू 1 करोड़. हाँ, अभी ये जो क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट होता है ना, ये इसीलिए होता है. जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, और ग्राफ अपवर्ड बनने वाला है या डाउनवर्ड ये किस पे डिपेंड करता है? ए पे. हाँ, सपोज करो ए है पॉजिटिव, तुम अभी इसमें x is equal to infinity पुट करो, इन्फिनिटी स्क्वायर कितना आएगा? इन्फिनिटी. ये डोमिनेट नहीं करता है फिर, तो यानी x is equal to infinity पर वैल्यू है इन्फिनिटी. x is equal to minus infinity पुट करो, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर भी क्या आएगा? इन्फिनिटी. और इन्फिनिटी इंटू पॉजिटिव भी क्या होता है? इन्फिनिटी. हाँ, यानी माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू भी है इन्फिनिटी. अब ये तो वन ही होगा ना, क्या ये ग्राफ इन्फिनिटी पे स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी पे एंड हो गया होगा, ऐसा होता है क्या? इक्वल. हाँ, यानी ये ग्राफ इधर कहीं पे स्टार्ट हुआ होगा और ये फिर ग्राफ ऊपर गया होगा.
समझ रहे हो? हाँ सपोज करो ए है नेगेटिव, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी स्क्वायर और उसमें आगे है नेगेटिव, तो ये क्या बन गया एक्चुअल में? माइनस, यानी x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर वैल्यू है कितना? माइनस इन्फिनिटी। हाँ माइनस इन्फिनिटी पुट करो, माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर भी प्लस इन्फिनिटी और आगे है इसके नेगेटिव साइन, यानी माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू भी कितना आ रहा है? माइनस। हाँ अब यार ये तुम समझ रहे हो ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये ग्राफ इन्फिनिटी पे स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी पे ही एंड हो जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। का मतलब ये इधर कहीं पे स्टार्ट हुआ होगा ग्राफ और फिर ये नीचे चला गया होगा, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये पॉजिटिव है ग्राफ बनेगा अपवर्ड, और ये नेगेटिव है ग्राफ विल बी डाउनवर्ड। ठीक है अब इधर आओ, इस ग्राफ में आप x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो, कितना वैल्यू आएगा बोलो? प्लस इनफिनिटी। हाँ माइनस इन्फिनिटी पुट करो, कितना वैल्यू आएगा बोलो? माइनस इनफिनिटी। यानी ये ग्राफ इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक जाने वाला है। ठीक है x इज इक्वल टू जीरो पुट करो, -6 को क्रॉस करेगा और फाइनली यहाँ पे जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? रैंडम नहीं बना सकते, स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते यार, है ना, या फिर अपने मन से रैंडम ऐसा ऐसा कुछ नहीं बना सकते, तो शेप कैसा आने वाला है वो मैटर करता है। तो स्टेप वन क्या हो गया इसमें कि चेक वैल्यूज एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं वैल्यूज का आइडिया लगाना कि यार इन्फिनिटी में कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी में कितना आ रहा है, जीरो में कितना आ रहा है, तो थोड़ा आइडिया लग जाता है वैल्यू का, अच्छा ये ग्राफ ऐसे जाने वाला है। स्टेप टू आता है फिर इसमें शेप, क्या आता है? बोलो शेप। हाँ और शेप चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका? Differentiation. Understood? जैसे लाइन है y is equal to 2x plus 3, आप इसको differentiate करो, कितना आएगा बोलो? 2. Differentiation का मतलब होता है slope. और slope fix है यहाँ पे कितना? 2. तो straight line ही ऐसा curve है जिसमें हर point पे slope क्या होता है? 2 होता है। टू नहीं होता, सेम होता है पागल। सेम। ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा सा स्लोप के बारे में बताया था। देखो ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव स्लोप, क्या है? पॉजिटिव स्लोप। नेक्स्ट पेज बताओ, दिस इज पॉजिटिव स्लोप, ये समझते हो ना पॉजिटिव स्लोप क्यों है ये? क्योंकि एंगल एक्यूट एंगल है यहाँ पे। ठीक है क्या बोलो? नेगेटिव। हाँ ये क्या हो गया बोलो? जीरो स्लोप। और ये क्या हो गया बोलो? नॉट डिफाइन ही बोल सकते हैं, या फिर इन्फिनिटी या फिर माइनस। हाँ क्योंकि काफी ज्यादा वैल्यू आती है यहाँ पे 10 का, तो ये है नॉट डिफाइन स्लोप या फिर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। इसमें कोई डाउट है? ठीक है अब एक ये बताओ, this is line A, then B, then L3, then L4. तो यहाँ पे maximum slope किसका है बताओ? L4. स्लोप का मतलब होता है कि स्लाइडिंग कितना इजी है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा इसमें स्लाइडिंग सबसे ज्यादा इजी है। या फिर ये भी समझ सकते हो कि 10 में जैसे आप एंगल इंक्रीज करते हो ना, 10 नॉट डिफाइन कहाँ पे होता है? पाई बाई टू वगैरह पे, क्योंकि 10 होता है साइन अपॉन कॉस, और जहां पे कॉस जीरो वहां पे 10 नॉट डिफाइन, कॉस जीरो यानी कि पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स। तो ये होता है 10 का ग्राफ। अब तुम खुद देखो 0 टू 90 डिग्री तक तुम एंगल इंक्रीज करते हो तो 10 का वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इंक्रीज। हाँ तो यानी कि स्लोप
इंक्रीजिंग, इसमें कोई डाउट? एक पॉइंट और, ये स्लोप पॉजिटिव भी है यार, है ना? हाँ, यानी L4 greater than L3 greater than L2 greater than L1 greater than जीरो, इसमें कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अब ये बताओ, सपोज करो इस तरीके से कुछ है, मैं जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि ऑल दीज स्लोप्स आर नेगेटिव। हाँ, सपोज करो ये है L1, L2, L3, L4। अभी मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं जस्ट ना, केवल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम कौन है यहाँ पे? बोलो। L4, L4। में स्लाइडिंग इजी है, में स्लाइडिंग सबसे ज्यादा इजी है, यस और नो? हाँ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज आप डिस्कस करते हो, देन L4 ग्रेटर देन L3 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L1 एंड ऑल दीज आर नेगेटिव। तो मैथ्स में आपको क्या देखना है एक्चुअल में, ये L4 सबसे क्या हो गया? Yes। हाँ, समझ गए? क्योंकि वो नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। यार बोलो, कोई डाउट है क्या इसमें, क्योंकि सब यूज होने वाला है यहाँ पे? ठीक है, अब एक ये बता दो, L1, L2 L3, L4 यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप बताओ। L4, L4। हाँ, ये तुम इसमें करते क्या है, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है यार इसमें, ना समझ रहे हो ना? ठीक है, ये स्टार्टिंग में तुम्हें गुप्ता सर नहीं बताया होगा, क्योंकि वहां पे ये यूज होता है वेक्टर्स में, तो इस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे L4 greater than L3 greater than L2 greater than L1 and all these are positive slopes, positive। ठीक है, अब ये बता दो, L1, L2, L3, L4 स्टार्ट करो। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं ना, जस्ट मैग्नीट्यूड। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा स्लाइडिंग किसमें इजी है, ऐसे भी देख सकते हो? L1। हाँ, तो डेफिनेटली L1 greater than L2 greater than L3 greater than L4 and all these are negative। तो एक्चुअल में L1 सबसे कम होगा। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अब वापस आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, इन्फिनिटी पे वैल्यू था इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे था माइनस इन्फिनिटी, जीरो पे था माइनस सिक्स। ये हम लोगों ने वैल्यूज का आइडिया लगा लिया है। नाउ स्टेप टू इज शेप, और शेप के लिए हम लोग क्या करते हैं बोलो? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, आप इस कर्व को डिफरेंशिएट करो। तो y डैश इज इक्वल टू 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन 6x2 देन माइनस 30x एंड देन मैक्सिमम और मिनिमा। देखो मैक्सिमम और मिनिमा, अच्छा तुम बताओ एक बार, तुमने पढ़ा है क्या मैक्सिमम मिनिमा? पहले f dash x फाइंड करते हैं, फिर उसको जीरो करते हैं, फिर f double dash x का साइन चेंज करते हैं, ऐसा कुछ फिजिक्स में पढ़ा है? सर पढ़ाए पर याद नहीं। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है बहुत अच्छी बात है, अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो देख लो। ठीक है, तो y डैश निकालोगे, ये आ गया। अभी हमें बेसिकली ये देखना है कि f डैश x का साइन कैसे चेंज हो रहा है। किसका साइन? f डैश, f डैश x का। हाँ, अभी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं f डैश x के, बोलो? 1 एंड 4। साइन कन्वेंशन विल बी प्लस माइनस प्लस। सपोज करो ये होता 1 माइनस एक्स, तो साइन कन्वेंशन क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। हाँ, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अभी है x माइनस 1, यानी साइन कन्वेंशन इज प्लस माइनस प्लस। एक चीज समझने का ट्राई करो, 1 और 4 पर f डैश x कितना आ रहा है? 1 और 4 पर
फोर के राइट में एफ डैश एक्स क्या है? पॉजिटिव। वन के लेफ्ट में एफ डैश एक्स क्या है? पॉजिटिव। वन टू फोर में एफ डैश एक्स क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। एफ डैश एक्स का मतलब स्लोप। यानी अच्छा ये होता है स्लोप पॉजिटिव, ये होता है स्लोप नेगेटिव, समझ रहे हो ना? ये होता है जीरो स्लोप। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव था और पॉजिटिव से एफ डैश एक्स जीरो हुआ और जीरो से एफ डैश एक्स क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव हुआ। में कोई डाउट है? नहीं। यानी कि एक्स इज इक्वल टू वन पर आपको क्या मिलने वाला है? लोकल लोकल मैक्सिमम। अंडरस्टूड? अच्छा लोकल क्यों बोलते हैं वो बाद में बताऊंगा, अभी इतना माइंड में रखो कि लोकल मैक्सिमम बोलते हैं इसको। मैक्सिमा क्या होता है? मैक्सिमा इज अ पॉइंट जिस पर वैल्यू, नॉट एक्स वैल्यू की बात नहीं कर रहे हम लोग, जिस पर यानी कि वाई वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो लोकल मैक्सिमा पर अपने लेफ्ट और अपने राइट से वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर, ज्यादा होना चाहिए, उसको आप बोलते हो लोकल मैक्सिमा। अंडरस्टूड? जैसे ये है ऐसे कुछ, तो ये पॉइंट यार अभी लोकल मैक्सिमा नहीं है भाई, है ना, क्योंकि इसके राइट में इससे वैल्यू ज्यादा है, समझ रहे हो ना? लोकल मैक्सिमा का मतलब होता है अपने लेफ्ट और राइट से ऊपर होना चाहिए पॉइंट, और लोकल मिनिमम में अपने लेफ्ट और अपने राइट से पॉइंट बिलो होना चाहिए। ठीक, जैसे ये लोकल मैक्सिमा हो गया क्योंकि लेफ्ट और राइट वाले कम है ना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वन पर है लोकल मैक्सिमा। अभी x इज इक्वल टू फोर पे शेप कैसे आने वाला है? देखो ये है नेगेटिव स्लोप। अंडरस्टूड? ये क्या हो गया फिर? पॉजिटिव स्लोप। तो फोर पे क्या आएगा? लोकल मिनिमा। मिनिमा। एनी डाउट? नहीं तो सर। हाँ, तो वन पर जो स्लोप है वो एक्चुअल में पॉजिटिव से मूव किया जीरो, और जीरो से फिर क्या मूव कर रहा है? नेगेटिव। पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप, नेगेटिव स्लोप। तो अपने आप से एक्स इज इक्वल टू वन पे क्या मिल जाएगा? लोकल मैक्सिमा। हाँ, अभी हम ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते ना, क्योंकि x is equal to 1 सिंगल पॉइंट है और इसके अकॉर्डिंग तो काफी सारे पॉइंट्स हो गए ना। तो स्लोप जीरो होगा, लेकिन जस्ट वन सेकेंड के लिए जीरो होगा बस। ठीक है, लोकल मिनिमा पर क्या स्पेशलिटी होता है? स्लोप नेगेटिव से मूव करता है जीरो, और जीरो से मूव करता है क्या? ग्राफ हमेशा लेफ्ट टू राइट में ही ऑब्जर्व करते हैं। कैसे ऑब्जर्व करते हैं? लेफ्ट टू राइट। सपोज करो ग्राफ ये है, तो ये ग्राफ लेफ्ट टू राइट में क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। आप इसको सपोज करो राइट टू लेफ्ट ऑब्जर्व करते हो तो ये तुम्हें क्या दिखेगा? Decreasing. हाँ, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि लेफ्ट टू राइट देखना है या राइट टू लेफ्ट। तो फिक्स है कि ग्राफ को लेफ्ट टू राइट ही ऑब्जर्व करते हैं हमेशा। ठीक है? ओके, तो x is equal to 1 पे है लोकल मैक्सिमा और x is equal to 4 पे है लोकल मिनिमा। मिनिमा, ठीक है। तो x is equal to 1 पे आने वाला है लोकल मैक्सिमा और x is equal to 4 पे लोकल मिनिमा। मिनिमा, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन तो ये होना चाहिए हम लोगों की वैल्यू कितना है x is equal to 1 या 4 पे। तो मैं चीज समझने का ट्राई करो भाई, शेप तो ऐसे भी बन सकता है। ये हो गया 1 पे लोकल मैक्सिमा, 4 पे हो गया लोकल मिनिमा, और फिर ये ग्राफ ऊपर चला गया। शेप ये भी हो सकता है कि x is equal to 1 पे था लोकल मैक्सिमा, 4 पे था लोकल मिनिमा, और फिर ये ग्राफ ऊपर चला गया। इन दोनों ग्राफ्स के अकॉर्डिंग ये दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रहे हैं? एक्स एक्सिस में क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूं? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कंप्लीट ग्राफ का वैल्यू कितना होता है?
जीरो। तो अकॉर्डिंग टू दीज टू ग्राफ्स इनका नंबर ऑफ रूट्स कितना आएगा? आएगा 1। तो ये अच्छा, और सपोज करो कोई इंसिडेंटली ग्राफ बन गया दिस, तुम्हें दिख रहा है वन पे लोकल मैक्सिमा बनाया मैंने और फोर पे क्या बनाया लोकल मिनिमा। अभी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है? 3। इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे? 3। तो यार वो चेक करना पड़ता है हम लोगों को। ये कंफर्म है कि x is equal to 1 पे है लोकल मैक्सिमा, 4 पे है लोकल मिनिमा। लेकिन अभी वैल्यू देखना पड़ेगा आपको कि लोकल मैक्सिमम कितना है और लोकल मिनिमम कितना। मिनिमम, अच्छा मिनिमा यानी वैल्यू ऑफ x, मिनिमम यानी वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमा यानी वैल्यू ऑफ x, मैक्सिमम यानी वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो अभी इसमें x is equal to put करो आप 1 and x is equal to put करो कितना 4। This is local maximum and this is local minimum. Minimum. ठीक है, x is equal to 1 put करो कितना वैल्यू आता है और 4 put करो, करो स्टार्ट करो, ये ड्रॉ वगैरह मत करो, 1 और 4 पे वैल्यू बताओ कितना है। At x is equal to 1, y is equal to? Six. X is equal to 1, y कितना आ रहा है? 6। कभी बेटा ठीक से भी बता सकते हो? 5। तुम ये 1 क्यूब कैलकुलेट करोगे फिर 1 स्क्वायर कैलकुलेट करोगे 12th में आकर के, तो अच्छी बात थोड़ी है ये। सो x is equal to 1 पे वैल्यू है 5। x is equal to 4 कैलकुलेट करो, कितना है बोलो। माइनस 38 और माइनस 22, सॉरी माइनस 22। हाँ, सो एक्स इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू आ रहा होगा माइनस 22। यही आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, तो x is equal to 1 पे वैल्यू है 5। ओके, तो 5 यानी पॉजिटिव साइड पे, थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना देना चाहिए हमें। x is equal to 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है? माइनस 22। और यहाँ पे है लोकल मिनिमा, यानी ये शेप आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, तो ये कंफर्म है कि x is equal to 1 पे है स्लोप 0 और वहां पे है लोकल मैक्सिमा, 4 पर्टिकुलर 4 पे स्लोप है 0 और 4 पे है लोकल मिनिमा। अभी करना कुछ भी नहीं है, इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है? जॉइंट। हाँ ठीक है, तो ये हो गया अभी जॉइंट, थोड़ा ठीक से ज्वाइन करना, आपको x is equal to 0 पे ये पॉइंट क्रॉस करना है, समझ रहे हो ना? सर। ओके। तो 1 पे है लोकल मैक्सिमा और फिर 4 पे लोकल मिनिमा, ये और फिर ये। एक पॉइंट और आता है इसमें, देखो x is equal to infinity और माइनस इनफिनिटी पर शेप ये आने वाला है, या फिर ये देख लिया तुमने, या फिर शेप ये आने वाला है, ये भी हम लोगों को देखना पड़ता है एक्चुअली में। तो ये सारी चीजें, देखो शेप जो डिटरमाइन करता है ना वो डिफरेंशिएशन है,
तुम खुद बताओ इसमें x इज इक्वल टू इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी पर स्लोप कितना आएगा? इनफिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? इनफिनिटी। हाँ, तो सपोज करो आप स्लोप बनाते हो दिस, तो ये कितना स्लोप हो गया? जीरो, मतलब जीरो। कितना बनाना है हम लोगों को? इनफिनिटी बनाना। हाँ, तो पॉलिनोमियल्स में फिक्स है कि इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी पे स्लोप 100% क्या आता है? इनफिनिटी। आगे हम लोग कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे और उनका डिफरेंशिएशन लेट्स सी ये आ गया। इसमें x इज इक्वल टू इनफिनिटी पे कितना वैल्यू आएगा बोलो? जीरो। हाँ, क्योंकि 1 अपॉन इनफिनिटी जीरो, तो वहां पे x इज इक्वल टू इनफिनिटी पर आप शेप ये नहीं बनाते हो, वहां पे शेप ऐसे आता है। हाँ। समझ रहे हो कुछ? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली इसका ग्राफ, सिंपल है। अब इस ग्राफ को देख के बताओ कितने रूट्स आ रहे हैं? थ्री रूट्स आ रहे हैं। थ्री रूट्स। थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करते हैं। चलो पहले तो ये एक बार देख लो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ किसी को। ठीक है, ये देख लो, इसको नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो बोलो, एनी डाउट। अभी तो काफी सारी चीजें आएंगी, काफी सारी चीजें आती हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं। आदित्य तुम रिपीट करो, आदित्य पाटिल। आदित्य एक्सप्लेन करोगे? अश्विश मेरा वॉइस आ रहा है ना? हाँ सर। चलो आदित्य को बोलने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, तुम एक्सप्लेन करो प्रतिमेश। हाँ सर, पहले क्यूबिक एक्सप्रेशन ग्राफ निकालने के लिए हमको स्टेप वन फॉलो करना है कि इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी और जीरो पे वैल्यू मतलब टेंटेटिव क्या रहा है वो देखना। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ कि ये फॉलो करो फिर वो फॉलो करो। भाई ऑब्वियसली बात है ना, तुम कोई भी ग्राफ बना रहे हो तो देखोगे ना थोड़ा कि किधर से कहाँ मूव करना है हम लोग को, ऐसे रैंडम स्टार्ट कर दोगे बनाना? नहीं। हाँ, तो ये मत बोलो कि फॉलो करना है, ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है कि ग्राफ कहाँ पे बना रहे हो उसके लिए पता तो होना चाहिए ना कि पॉइंट्स कौन से क्रॉस करना है आपको। हाँ ठीक है, आगे बताओ। फिर उस ग्राफ का हमें शेप शेप पता करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। हाँ, शेप के लिए डिफरेंशिएशन रिस्पांसिबल होता है, फिक्स है ये। ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट स्टेटमेंट है कि कोई भी ग्राफ है उसकी शेप के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है? उसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन से आता है स्लोप। ठीक है, आगे बताओ। फिर डिफरेंशिएशन से अगर उनके रूट्स आ रहे मतलब उसको उस डिफरेंशिएशन को ब्रेक करते। ठीक है, ये ब्रेक हो गया, आगे बताओ। वेरी गुड, आगे बताओ। फिर वो 1 और 4 पे जीरो आ रहा है ना, तो बिल्कुल आ रहा है। हाँ, 4 के राइट में उसका मतलब ये क्या हमने क्या निकाला है, ये स्लोप निकाला है मतलब डिफरेंशिएशन कर निकाला। 4 के आगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, 1 to 4 नेगेटिव होगी और 1 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होगी, तो 4 और 1 पे
जीरो होने के कारण लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा डिपेंड करती है. लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा. अच्छा ये बताओ ये शेप ऐसे क्यों आ रहा है ये बताओ. हाँ सर, पहले पॉजिटिव सिन जीरो हो रहा है और फिर नेगेटिव, इसलिए हम ऐसा तो नहीं बना सकते ना, नीचे से ऊपर जाएगा, तो इसलिए वैसा स्लोप मतलब उसका शेप ऐसा आ रहा है. मतलब ये पॉजिटिव स्लोप है. हाँ. ये जीरो स्लोप है और ये क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो हाँ. उल्टा तो बना सकते, इसलिए ऐसा आ रहा है. बिल्कुल ठीक है, आगे बताओ. ठीक है, वैसे ही 1-4 से स्लोप नेगेटिव है और फिर 4 हो रहा है और 4 के जस्ट बाद पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए वो वैसा करवा रहा है. अच्छा, क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता है यहाँ पे कि आप एग्जैक्टली 2 ही लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्यों बता रहे हो, 3 और 4 क्यों नहीं बता रहे हो? उनके रूट्स उतने. हाँ सही है, बिल्कुल कॉमन सेंस, रूट्स 2 ही है ना, इसके क्या करें. सपोज करो ये 4 डिग्री होता है तो डिफरेंशिएशन 3 डिग्री होता है. हाँ. तो फिर हो सकता है कि वहां पे एक फैक्टर और आए. हाँ करेक्ट है. ठीक है, आगे बताओ. आगे तो क्या है फिर, अभी आगे वैल्यूज वगैरह बताओ. हाँ, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा पर जो वैल्यू आती है उनको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कहते हैं. फिर उनकी वैल्यू प्लॉट करेंगे, मतलब निकालेंगे कि 1 पे 5 आ रही है और 4 पे -22 आ रही है. फिर निकाली थी 0 पर -6 आ रही है, 0 पे माइनस. हाँ, फिर पॉइंट आता है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू कैसी रहेगी. तो इन्फिनिटी पर स्लोप आ रहा है इनफाइनाइट, तो हम जीरो नहीं कर सकते उस स्लोप को, इसलिए वो स्ट्रेट ही रहना चाहिए. और माइनस इनफाइनाइट भी माइनस इनफाइनाइट रहे वो, इसलिए वो भी स्ट्रेट रहना है. ये नोट कर लो, करेक्ट है, बिल्कुल सही. इसलिए 3 पॉइंट्स पर टच करना चाहिए, इसलिए वो 3 कर्व से सब पास होके जाए 3 एक्सिस से. हेलो. हाँ बिल्कुल करेक्ट है, सही है. ठीक है, एनी डाउट सर? हाँ क्या डाउट है बोलो सर. वो मतलब जो 1 और 4 वैल्यूज निकाले वो 6 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब 6 मल्टीप्लाई क्यों करोगे? ओके, अरे यार एक चीज समझने का ट्राई करो. ये जो ग्राफ बनाया है हम लोगों ने, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स का ग्राफ है. बेटा ये f of x का ग्राफ है, तो आप x is equal to 1 और 4 जो वैल्यूज पुट कर रहे हो वो यहाँ पे पुट कर रहे हो, डिफरेंशिएशन में पुट नहीं कर रहे हो. ये भी अच्छा डाउट है. देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ये तो f dash x के रूट्स होते हैं. किसके रूट्स होते हैं? f dash x के. लेकिन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ये वैल्यूज होती हैं, और ये किसकी वैल्यूज होती हैं, f of x या f dash x? f of x. तो x is equal to 1 और x is equal to 4 ये हम लोगों ने डिटरमाइन किया है विद द हेल्प ऑफ f dash x. लेकिन लोकल मैक्सिमम और मिनिमम ये हम लोगों ने डिटरमाइन किया विद द हेल्प ऑफ f of x. अगेन f dash x से वैल्यूज का नहीं पता चलता है कि f of x की कितनी वैल्यूज आ रही है, इसके लिए तो f of x ही रिस्पांसिबल है. f dash x से वैल्यूज नहीं पता चलेंगे आपको, f dash x से स्लोप पता चलेगा और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पता चलेगा. ठीक है, और वैसे भी x is equal to 1 पुट करोगे यहां पे तो f dash x कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. वो तो पता ही हम लोग को ऑलरेडी, x is equal to 1 और 4 पे 0 आने वाला है, तभी तो फैक्टर्स है और तभी मैक्सिमम मिनिमम बन रहे हैं. ठीक है सर. ओके, और क्या रूट है बताओ, और क्या डाउट है बताओ. सर मुझे एक है. सर मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमम में डिफरेंस क्या है? यार मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमम में डिफरेंस ये है कि जैसे कोई तुमको ये बोलता है कि भाई इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, कितनी मैक्सिमम वैल्यू? इनफिनिटी. हाँ, आगे डिफरेंस समझ में.
तो इसको आप मैक्सिमम नहीं बोल सकते यार, है ना, ये लोकलाइट ही मैक्सिमम, वैसे तो इस पॉइंट की वैल्यू भी इससे ज्यादा ही है ना, तो ये लोकली मैक्सिमम है, लोकली मतलब अपने लेफ्ट और अपने राइट वालों से ज्यादा है, ये ऑलवेज ज्यादा है ऐसा नहीं है, जो ऑलवेज ज्यादा होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम, तो यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम कितना है, इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइन बोल सकते हो आप, ठीक है। और क्या डाउट है बताओ, और क्या डाउट है बताओ, क्लियर। चलो अब इस पे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं इसका। देखो इसका जो फाइनल ग्राफ आ रहा है दैट इज लाइक दिस, 1, 4, 1 पे था लोकल मैक्सिमम और 4 पे है लोकल मिनिमम, और फिर ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है। 4 पे कितना वैल्यू आ रहा था, -22, 0 पे था -6 और 1 पे था 5, ठीक है। f of x is equal to 0 के कितने रूट्स दिख रहे हैं बताओ, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये तुम कभी फाइंड नहीं कर सकते थे यार, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो ये रूट किस इंटरवल में आ रहा है, अल्फा किस इंटरवल में आ रहा है, वो 0 to 1 में कितना है, तो कभी पुट करोगे क्या, 0.25 कभी पुट करके चेक करोगे क्या, बोलो नहीं सर। हाँ ये कौन है भाई जो इतना आलस में बोल रहा है, नहीं सर। आदित्य पाटिल क्या हुआ बेटा, नहीं पढ़ना है तो जा सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमसे क्वेश्चन पूछा तब तुम्हें बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है, ज्यादा समझ में आ गया तो एक्सप्लेन कर दो फिर यार, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसके है 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ये रूट है इंटरवल 0 to 1 में, ठीक है। इस रूट का भी कंफर्म नहीं है कुछ यार, है ना, ये क्लियर है कि ये रूट 1 to 4 में आ रहा है, और भी स्पेसिफाई करना है तो कर सकते हो, लाइक 1 to 2 में आ रहा है, 2 to 3 में आ रहा है, 3 to 4 में आ रहा है, तो वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, सपोज करो x is equal to 2 पे वैल्यू चेक करो, x is equal to 3 पे वैल्यू चेक करो, फंक्शन क्या है वो ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन इज दिस, यार आप लोगों के साथ ऐसा कुछ इशू है कि किसी भी स्टेटमेंट को सेकेंड बार सुनने में प्रॉब्लम होता है तो बोल दो, मेरे को कोई ऐसा आदत नहीं है कि सेम स्टेटमेंट को 5-5 बार रिपीट करने का, ना तुम लोगों को समझ में नहीं आता है इसलिए रिपीट करना पड़ता है, बाकी तुम्हें यदि एक बार सुनने में ही अच्छा लगता है सेकेंड बार सुनने में प्रॉब्लम होती है तो बताओ, मेरे को तो अच्छा है इवन। तो x is equal to 1, ठीक है, इसमें x is equal to 2 पुट करते हैं, x is equal to 3, 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो, तो ये हो गया 16 माइनस 16 प्लस 48 माइनस 6, तो 48 और 16 यानी कि 64 माइनस 66 यानी कितना आ रहा है बोलो, माइनस 2। अब तुम खुद बताओ 2 बीटा के लेफ्ट साइड होना चाहिए राइट साइड होना चाहिए, राइट साइड डेफिनेटली, राइट साइड ही आ रहा होगा तभी उस पे नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो बीटा भी कंफर्म हो गया अभी कि बीटा लाइज इन द इंटरवल 1 to 2, हाँ ठीक है। तुम्हें और इसको स्पेसिफाई करना है कि 1 to 2 में, 1 to 1.5 में आ रहा है या 1.5 to 2 में आ रहा है, तो फिर 1.5 पुट करोगे, खैर करने का रिक्वायरमेंट कभी होता नहीं इतना, और 1.5 पे लेट से वैल्यू आ गया पॉजिटिव, तो 1.5 बीटा के लेफ्ट या राइट, लेफ्ट लेफ्ट, तो ये रूट और फिक्स हो गया ज्यादा कि यार ये 1.5 टू 2 में आ रहा होगा, समझ गए। सपोज करो 1.5 पे वैल्यू आता है नेगेटिव, तो ये बीटा के राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा बोलो, राइट में आएगा, तब भी और ज्यादा कंफर्म हो गया कि यार ये 1 टू 1.5 में आ रहा है, समझ गए, ठीक है। तो अभी x is equal to 2 पे वैल्यू है नेगेटिव, लेट से x is equal to 2 पे आता पॉजिटिव, तो इसका मतलब 2 इधर कहीं पे होता, तो फिर बीटा हो गया है 2 टू 4 में, तब आप 3 पुट करते हैं, समझ गए होंगे मुझे लगता है यार, है ना,
ठीक है तो ओके, तो ये हो गया माइनस टू, यानी बीटा कंफर्म है। अच्छा अल्फा ऑलरेडी कंफर्म हो गया था 0 to 1, वो ग्राफ से ही कंफर्म हो गया था ना। बीटा किस इंटरवल में आ रहा है? 1 to 2। अभी चेक करते हैं गामा, तो ये नंबर है 4, 5 पुट करो इसमें कितना आता है, तो ये हो गया है 5 क्यूब 125 इंटू 2 टू 50, 5 स्क्वायर 25 इंटू 15 37, और ये हो गया है 120 माइनस 6, सो 120 370, और माइनस 6 यानी कि 370 माइनस 381, यानी कितना आ रहा है बोलो ये, माइनस 11। तो 5 अभी इधर ही है कहीं पे, 6 पुट करो, 6 cube 216 into 2 432 minus 6 square 36 into 15, तो ये हो गया 36 540 6 into 24 144 minus 6, तो ये समीकरण कितना आ रहा है बोलो, 6 576 minus 30, this is positive. ठीक है, नहीं जैसे तहीं चेक करना था पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी 6 पे वैल्यू क्या आ रहा है बोलो, पॉजिटिव, यानी गामा भी कंफर्म हो गया है। गामा किस इंटरवल में आ रहा है बताओ, 5 to 6। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फाइंड आउट सम ऑफ या फिर फाइंड आउट अल्फा, या फिर प्रॉपर लिख देते हैं, काम करते हैं, फाइंड आउट सम ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स, जितने भी रियल रूट्स हैं उनके इंटीग्रल पार्ट का क्या फाइंड करो, समेशन। तो पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए इंटीग्रल रूट्स, सॉरी रियल रूट्स हैं कितने, तो 3 रियल रूट्स हैं और उनके इंटीग्रल पार्ट्स, अल्फा का इंटीग्रल पार्ट कितना आ रहा है, जीरो। ठीक है, बीटा का इंटीग्रल पार्ट कितना आ रहा है बोलो, 1। गामा का इंटीग्रल पार्ट कितना आ रहा है बोलो, 5। ओके, सो आंसर इज 0 + 1 + 5 इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 6। एनी डाउट? नहीं। ठीक है, क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे बनते हैं इसमें ना, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन बन गया कि y इज इक्वल टू दिस, और सपोज करो इसको इक्वल कर रहे हो क्या, k, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k so that given equation having first exactly one real root, चलो डिस्कस ही कर लेते हैं, तो फिर से इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, आपको बिना ग्राफ के नहीं होगा ये ना। ठीक है, अगेन ग्राफ बनाने में कॉन्सेप्ट्स काफी सारे हैं, बाकी ग्राफ सिंपल होता है, माइनस इनफिनिटी 0 इनफिनिटी पे वैल्यूज चेक करो, और शेप चेक करने के लिए क्या कर लो, डिफरेंशिएशन, बस ये स्टेप्स हैं, और फिर डिफरेंशिएशन से आपको पता चलेगा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, लेकिन वैल्यू तो एफ ऑफ एक्स से ही आते हैं, ये कन्फर्म है। ठीक है, कॉनकेविटी रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, कॉनकेविटी क्या होता है वो बताएंगे बाद में भी, है ना। तो ये हो गया 5। ठीक है, इतना ही था बस, हो गया। हाँ, तो f of x is equal to k,
तो ये हो गया लेफ्ट साइड वाले पोर्शन का ग्राफ. इसमें कोई डाउट है? नहीं सर. राइट साइड में है k, k का मतलब y is equal to constant. हाँ, y is equal to constant यानी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है, तो अभी पॉइंट ये है, सॉरी पॉइंट का क्वेश्चन ये है कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ. वन सॉल्यूशन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है बताओ. यानी कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस ग्राफ को एग्जैक्टली कितने प्लेसेस पे कट करना चाहिए? वन प्लेस पे. हाँ, तो क्या पॉसिबिलिटी है बताओ. माइनस इनफिनिटी टू माइनस पाई टू इनफिनिटी. के बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस टू यूनियन पाई टू इनफिनिटी. ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है ना. जैसे ही लाइन कट करेगा तो एग्जैक्टली वन प्लेस पे ही कट करने वाला है. यानी ये रूट है इसका. कितने रूट आ रहे हैं बताओ. रूट मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स. वन. एनी डाउट? नो सर. ठीक है, सेकंड ये बताओ कि k इज इक्वल टू 5 और माइनस 22 पे क्या होने वाला है बताओ. टू रूट्स. यहाँ पे कल बताया था मैंने कि कभी भी टू ग्राफ्स टच कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स है, तो वहां पे रूट्स क्या होते हैं? रिपीट रिपीट. तो k is equal to 5 और minus 22 exactly कितने real roots हो गए बोलो? 3 real roots. और इनका जो pattern होगा ना वो ये होगा, alpha alpha and beta beta. यानी कि 3 real roots where 2 roots will be equal. Like आप k is equal to put करते हो 5, तो repeat हो रहा है क्या? 1. यानी इसके root आएंगे 1, 1. तुम्हें देखो दिखा देता हूँ मैं roots बना के, तो तुम्हें वही हो जाएगा. ठीक है, इसको पुट करो आप किसके इक्वल? 5. तो ये हो गया 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 11 इज इक्वल टू 0. दिख रहा है एक रूट तो 1 है इसका, 1 पे 0 भी आ रहा होगा. ये देखो 24 प्लस 2 26 माइनस 15 माइनस 11 माइनस 26. यानी 1 फैक्टर विल बी x माइनस 1. रिमेनिंग डिवाइड कर सकते हो आप लोग. तो ये हो गया 2x स्क्वायर. Now minus 2x square यानी कि minus का 13x plus 13x यानी extra आना चाहिए 11 is equal to 0. अब इसका भी देखो एक root 1 है, check करो. दिख रहा है? यानी यहाँ पे भी एक factor क्या आएगा? x minus 1. तो ये हो गया अभी 2x square minus 2x और minus 11. तो तुम्हें दिख गया होगा कि टू रूट्स क्या हो गए बोलो. रिपीट. तीन बार नहीं हो सकते यार रिपीट, है ना. काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती होती कि तीन बार भी रिपीट हो जाते हैं, लेकिन अभी नहीं हो सकता क्योंकि कितने डिग्री इक्वेशन है? 3 डिग्री इक्वेशन है. तो मैक्सिमम कितने रूट्स पॉसिबल है इसमें? 3. तो 1 रूट तो यहाँ पे है कन्फर्म. इसका मतलब ये कितनी बार रिपीट हुआ है? दो बार. टू टाइम्स. सपोज करो ये 4 डिग्री इक्वेशन होता और फिर तुमने इसको k के इक्वल पुट करा, तो एक रूट यहाँ पे मिलता, तो ये रूट कितनी बार रिपीट होगा एग्जैक्ट? 3 टाइम. हाँ, 2 टाइम्स नहीं हो सकता क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट करोगे वहां पे, तो 2 टाइम्स ये रिपीट, एक रूट ये रहा और एक रूट फिर इमेजिनरी करना पड़ता. तो 1 रूट इमेजिनरी पॉसिबल है क्या? नहीं. ठीक है, एनी डाउट? नो.
तो k इज इक्वल टू 5 पे 1, 1, दिस ऐसे ही सपोज करो आप k इज इक्वल टू पुट करते हो -22 तो रिपीट करेगा x इज इक्वल टू 4 4 कॉमा 4 कॉमा दिस यहां पे कहीं पे समझ गए हां ठीक है और भी देख लेते हैं और क्या सिनेरियो है थर्ड k ग्रेटर देन अच्छा तुम ये भी बोल सकते हो यार आप है ना कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने हैं 2 ओके थर्ड पॉइंट के ग्रेटर देन -22 और लेस देन 5 अभी क्या सिनेरियो है बोलो के ग्रेटर देन -22 लेस देन 5 3 रूट्स आ रहे हैं हाँ एग्जैक्टली थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रूट्स एनी डाउट नो कोई डाउट है बोलो इस पे नहीं सर ये चेक करके बताना है क्या इसको इज इक्वल टू -22 रखते नहीं सर जैसे ये चेक किया था ना सेम आप चेक कर सकते हो उसमें है ना टू फैक्टर्स विल बी एक्स माइनस फोर हाँ ठीक है तो आज इतना ही करते हैं बाकी नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं अभी तो यार बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें ना जैसे फर्स्ट पेज था ग्राफ्स का सेकंड पेज फिर ये आ गया था कि जो रूट्स है उनके इंटीग्रल पार्ट का समेशन तो इस क्वेश्चन का पर्पस था रूट्स का आइडिया लगाना कि रूट्स किस इंटरवल में आ रहे हैं ऑलमोस्ट फिर थर्ड ये आ गया इज इक्वल टू के काफी कॉमन क्वेश्चन है सारे ठीक है ओके इतना ही करते हैं आज बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं इसके अलावा कोई डाउट है किसी को बोलो